हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीटेट का पेपर हुआ था 17 जनवरी 2023 को पेपर टू, उसका जो हिंदी पेडागॉजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, जो 15 क्वेश्चन थे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। बच्चे भाषा कैसे अर्जित करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित करते हैं। तो यह कहा था वाइगोत्स्की ने। किसने कहा था यह कहा था वाइगोत्स्की ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती है, उसके संप्रेषण को क्या कहा जाएगा। एक 7 माह की कोई क्या है, बालिका है, वह व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती है, उसके जो संप्रेषण मतलब उसकी जो बातचीत, उसको क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा बबलाना। क्या कहेंगे उसको, उसको बबलाना कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा। सुनियोजित बातचीत किसे कहा जाएगा, तो वह कहा जाएगा संरचित को। किसको, संरचित मतलब यह जो किसी चीज़ को संगठित करके जब रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संरचित कहते हैं। तो यह जो है सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा, किसको, संरचित को। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी पाठ सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, भिन्न भिन्न भागों को सुनते पढ़ते हैं, पाठ सामग्री जो होती है उनकी, उसके बाद फिर अपनी क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाता है जिक्सा श्रुतलेख। क्या कहते हैं इसको, जिक्सा श्रुतलेख कहते हैं। अब आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, उसके कथन में प्रवाह नहीं है, और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई थी वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है, भाषा संबंधी इस विचार को क्या कहा जाएगा। भाषा संबंधी इस विचार को कहा जाएगा डिस्फेजिया। क्या कहेंगे उसको, डिस्फेजिया कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का भाषा कौशलों का परीक्षण करती है, उससे इससे उसे किस तरह की सहायता मिलेगी। मतलब कोई शिक्षिका वो विद्यार्थियों को क्या करती है, भाषा कौशल का परीक्षण करती, तो उसको किस तरह की सहायता मिलेगी जो है उसकी जो शिक्षिका है बच्चों की। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, जो शिक्षिका उसको विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए, यह जानने के लिए विद्यार्थियों ने पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद किए हैं या नहीं। अब देखो सीटेट के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग कहीं पे भी याद करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा। आकलन इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्चों ने क्या जो है चीज़ों को याद किया है या नहीं किया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा जहाँ पर भी याद करने की बात की गई हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, आकलन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद किसके बारे में बताया गया था, यहाँ पे आकलन के बारे में पूछा गया है ना, आकलन के बारे में। अब जो है आकलन यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है, इसके लिए किया जाना चाहिए, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा।
आकलन पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। तो अब जो डी ऑप्शन यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि आकलन जो है पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए, ताकि ये समझ में आ सके एक शिक्षक को कि बच्चों के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चों के को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या किया जाना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए बच्चों का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है, जबकि कोई परिवर्तन वह है जब कोई दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है। अब देखो यहाँ पे कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में जहाँ यहाँ पर लिखा है जब कोई परिवर्तन, मतलब कोड परिवर्तन वह है, कोई की जगह पर जाएगा कोड परिवर्तन वह है जब कोई दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करता है या फिर करती है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन दिया गया यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं इनमें से जो पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित है। क्या है, पठन और लेखन कौशल जो है एकीकृत या फिर समावेशित है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन हमारा है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक अध्यापक विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है। तो एक अध्यापक क्या विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन कौशल का जो हुआ है आकलन यहाँ पर नहीं कर रही है। क्वेश्चन दिया गया है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं, लेखन पूर्व, प्रारूपण, संशोधन, संपादन, प्रकाशन। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है कि जब प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले लेखन पूर्व, फिर प्रारूपण, फिर संशोधन, फिर संपादन, फिर प्रकाशन। तो यहाँ जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है। विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए जो किया गया पठन है उसको कहा जाता है बारीकी से पठन। क्या कहते हैं इसको, बारीकी से पठन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कक्षा में सामाजिक भाषा को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो समुन्नत है इसका तात्पर्य होता है कि प्रमोट करने के लिए उसको, मतलब और अच्छा करने के लिए सामाजिक भाषा को क्या करना चाहिए जो है कक्षा में प्रमोट करने के लिए। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर दें। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा, वह किस तरह के पठन को समन्वित करना चाहती है। मतलब कोई यहाँ पे अध्यापिका है वो शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए बोलती है, वह किस तरह के पठन को प्रमोट करना चाहती है, समन्वित करना चाहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तृत पठन को। किस प्रकार के पठन को, विस्तृत
पठन को। अब यहाँ पे 13 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करवाती है, इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलेगी। अब यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि जो कोई अध्यापिका है वह क्या कर रही है, बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करवाती है, इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलेगी। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में सटीकता में सुधार होगा। क्या होगा, सटीकता में सुधार होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 30 क्वेश्चन कम्प्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।